ब्रेन दिमाग द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम और पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में रखने वाला अंग भाई दिमाग ही तो है। ब्रेन काम कैसे करता है या ब्रेन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, दिमाग को इतना तेज कैसे कर सकते हैं कि फटाक से देखा और झटाक से याद हुआ। कई बार आप पढ़ने बैठते हैं, आपका फोकस पूरा पढ़ाई पर होता है, आप सोचते हैं कि मैंने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अब मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। पर नहीं, दो तीन दिन बाद आप उसे भूलना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब उसे आप पूरी तरह से भूल चुके होते हैं। भाई ये आपका कसूर नहीं था, ये कसूर था आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का। तो अब आपके ब्रेन में कुछ क्वेश्चन पुट होते होंगे कि ब्रेन को कैसे तेज कर सकते हैं, कि कैसे किसी चीज को पढ़कर या उसे देखकर लंबे समय तक याद रख सकते हैं। भाई आप हमारे चैनल में आए हैं द बेस्ट गाइडर फॉर यू के साथ। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे दौर पर, एक ऐसी ट्रिप पर, यहाँ आप सीखने वाले हैं ब्रेन के कुछ अनसुने फैक्ट, कि ब्रेन को कैसे तेज कर सकते हैं, ब्रेन को कैसे रिमाइंडेबल बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट फर्स्ट, यू नीड टू रिड्यूस मल्टीटास्किंग। भाई मल्टीटास्किंग है क्या? एक समय में बहुत सारे काम को करना। आपका ब्रेन कभी भी मल्टीटास्किंग को अलो नहीं करता। यदि आप एक समय में बहुत सारे काम करते हैं, आपका ब्रेन कंसंट्रेशन को लॉस करने लगता है, वो किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता को खोने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर उसका नाम भूलता है या कोई फोन नंबर को याद नहीं रख पाता, वह स्थायी रूप से कंसंट्रेटिव नहीं हो सकता। तो मल्टीटास्किंग अपने से दूर रखकर एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करना है, जिससे आपका माइंड शार्प हो सकता है, एक अच्छा कंसंट्रेटिव हो सकता है। फैक्ट सेकंड, डीप स्लीप और ब्रेन पावर। आप सभी ने कभी तो कभी दो तीन घंटे की नींद जरूर ली होगी और अगले दिन देखा होगा कि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। ये नींद लेने की ट्रिक हमारे दिमाग के इंटेलिजेंस को बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। नींद में वह सभी न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होते हैं जो हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। जब हम 6 या 8 घंटे की नींद लेते हैं, तब हमारे दिमाग को रिलैक्स होने का भरपूर टाइम मिल जाता है, जिससे हम अगली सुबह फ्रेश, फोकस्ड और अच्छा फील करते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंस को सबसे बूस्ट करता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है और हम ब्रेन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फैक्ट थर्ड, टू साइलेंस। यदि आप दिन में कुछ समय तक बिना बोले रहते हैं, इसका सीधा असर आपकी इंटेलिजेंस पर पड़ता है। हाल ही के कुछ रिसर्च में पाया गया कि जो लोग कम बोलते हैं या जरूरत के वक्त ही बोलते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग आम लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और नई चीजों को जल्दी सीख जाते हैं। तो क्या समझे, साइलेंस अच्छा है या नहीं? फैक्ट फोर, बुक्स रीडिंग, किताबें पढ़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर सक्सेसफुल पर्सन की किताबें पढ़ना एक कॉमन हैबिट है? ये कैसी आदत है जो हमारे माइंडसेट को बदल सकती है? आपने एलन मस्क का नाम जरूर सुना होगा, जिसको बचपन में उनकी माँ बहरा समझती थी क्योंकि वह खोए खोए रहते थे। आज पूरी दुनिया जानती है एलन मस्क को। उन्होंने केवल किताबें पढ़ पढ़कर रॉकेट इंजन तक बना डाला और अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बेहतरीन कंपनी स्पेस एक्स को लॉन्च किया। किताबें हमारे सोचने के तरीके में बदलाव लाती हैं। हम पहले से बेहतरीन सोच सकते हैं और किसी चीज पर अच्छी तरह से कंसंट्रेशन कर सकते हैं। फैक्ट फाइव, लिसनिंग गुड सॉन्ग फॉर ब्रेन पावर, अच्छे गाने सुनना। 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था, ये जानने के लिए कि म्यूजिक का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में काफी सारे लोगों का म्यूजिक सुनते वक्त ब्रेन स्कैन किया गया और रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। इस रिसर्च में पाया गया, जब वह लोग अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे, तब उनकी कंसंट्रेशन पावर में बहुत तेजी से ग्रोथ करने को मिला। इसके पीछे का कारण ढूंढने पर पता चला कि म्यूजिक हमारे ब्रेन के उन पार्ट के साथ इंटरेक्ट करता है जो हमारी मेमोरी तथा इंटेंशन को कंट्रोल करते हैं। आप खाली समय में म्यूजिक सुन सकते हैं, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद फैक्ट है। फैक्ट सिक्स, मेडिटेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारा टेंशन तनाव निकल जाए और आपको सीखने और इमोशन को मैनेज करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाए, तब आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन हमारे दिमाग के सीखने की क्षमता को इनक्रीज करता है, जिससे हमारा दिमाग पहले से काबिल और काफी तेज बन जाता है। आज हजारों रिसर्चर मेडिटेशन पर शोध कर रहे हैं। इन शोधों में पाया गया है कि मेडिटेशन हमें फ्लो स्टेट में जाने हेल्प करता है।
फ्लो स्टेट एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने दिमाग का 100% एक काम पर लगा सकते हैं और बाहरी दुनिया से पूरा कनेक्शन कट कर सकते हैं, और ऐसे में किए जाने वाले कार्यों के परिणाम किसी जादू से कम नहीं होते। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मेडिटेशन ब्रेन पर कितना इम्पैक्टेबल है। तो ये थे हमारे ब्रेन के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मेमोरी पावर और ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि द बेस्ट गाइडर फॉर यू लाता रहेगा आपके लिए कुछ नए नए तोहफे। बने रहिए।